Let me start reading class. Chapter 1. Numbers. The last question we have question number 8. Write the number. The number 8. Number 8. So, ये नंबर हमारे नंबर नेम दिया हुआ है. ओके, नंबर नेम हम ध्यान से देखेंगे. 7,89,452. ओके, इसको हमें सबसे पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू. ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द प्लेस वैल्यू टेबल. ओके, सो हम लोग सबसे पहले प्लेस वैल्यू टेबल बनाएंगे. इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? तो सबसे पहले हम देखें प्लेस वैल्यू टेबल बनाते हैं. मेक द प्लेस वैल्यू टेबल. स्टार्ट फ्रॉम वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लैख, देन 10 लैख. हमने 10 लैख कर दीजिए. और अगर देखिए आपके क्वेश्चन में 7 लैख तक दिया हुआ है तो हम केवल 7 लैख तक भी लिखेंगे. लिख सकते हैं और अगर आप यू विल मेंशन 0 या अदरवाइज ब्लैंक स्पेस. ओके, लैख तक हमने लिख दिया है 7 लैख. ओके, 7 लैख हमारे लैख में आ गया. नेक्स्ट नंबर लेंगे 89,000. ओके, सो टू डिजिट नंबर इज 1000 प्लेस. ओके, 1000 पीरियड्स इन टू कॉलम्स. ओके, 89,000. 89,000 में 9, 10,000 में 8, 452 places. 4, you are given place in 4. Okay, we have made place in 4. तो हमने क्या लिखा है? 400. Then 52. Okay, so we will put the comma after 3 digits, then 2 digits. Okay, स्टार्टिंग में 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाते हैं, फिर 2 डिजिट के बाद कॉमा लगाते हैं. ओके, नेक्स्ट इज डी. डी इज 23,50,000. 23 lakh 50,070. Okay.
5050. Okay, the thousand place given in two columns. So 5, 10,000, 0,000. Okay, next is 70. 100 place the no given value. Okay, and directly we will write in 10 place. So 7, 0, 7. Okay, and 100 place we will write in 0. Okay, so put the comma after 3 digit, then 2 digit. Okay, so 23,50,070. Okay, तो इस तरीके से हम नंबर स्प्लेन को करेंगे, लेकिन प्लेस टेबल की हेल्प से हम इजीली नंबर को लिख सकते हैं। देखिए विदाउट प्लेस टेबल के नंबर्स बड़े होते हैं, हमें नहीं पता होता है, वी डोंट नो कि डिजिट्स वेयर दे विल बैक द डिजिट्स। ओके, सो सपोज करिए जैसे कि इस क्वेश्चन में 100 प्लेस पर केवल 0 दिया हुआ, 100 प्लेस पर कोई भी वैल्यू नहीं दी गई थी, तो हमें पता ही नहीं चलता यदि हम प्लेस वैल्यू नहीं लिखते तो। देखिए दैट्स व्हाई वी फर्स्ट वी विल मेक द प्लेस वैल्यू टेबल, देन अकॉर्डिंग टू द प्लेस वैल्यू वी विल राइट द नंबर्स। ओके, हम प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग ही नंबर्स को लिखते हैं। ओके, सो एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट प्रेडिसेसर एंड सक्सेसर। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे प्रेडिसेसर एंड सक्सेसर। प्रेडिसेसर इज आल्सो कॉल्ड बिफोर, ओके, लाइक दिस बिफोर, ओके, एंड सक्सेसर इज आल्सो कॉल्ड आफ्टर। जिस तरीके से प्रेडिसेसर में हम बिफोर भी करते हैं कि जो नंबर दिया हुआ है उससे पहले की डिजिट लिखते हैं, इट क्या है, इट इज कॉल्ड अ बिफोर नंबरिंग। ओके, एंड सेम एज वेल एज वी विल इन प्रेडिसेसर माइनस वन। ठीक है, तो हम सेम उसी प्रोसेस से हम उसको शो कर सकते हैं कि हम प्रेडिसेसर में माइनस वन कर रहे हैं। वर्डिंग चेंज हो चुकी है, वर्ड चेंज हो चुका है, बिफोर की जगह हमने यूज में ले रहे हैं, वी आर यूजिंग प्रेडिसेसर, आफ्टर रिप्लेस बाय सक्सेसर। तो जो आफ्टर की जगह हम लोग रिप्लेस हो चुका है सक्सेसर। ठीक है, सक्सेसर में हम आफ्टर करते हैं, प्रेडिसेसर में बिफोर करते हैं। ठीक है, हम माइनस वन करके भी शो कर सकते हैं और हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। सपोज गिवन एन एग्जांपल हियर 53,422. ओके, 53,422 हमें इसका प्रेडिसेसर करना है, तो हमेशा जब प्रेडिसेसर होता है 53,422, तो जस्ट बिफोर नंबर लिखना है, तो बिफोर नंबर क्या हो जाएगा 53,421। बिफोर नंबर क्या हो जाएगा 53,421। ठीक इसी तरीके से यदि हम आफ्टर में करेंगे 53,422, इसका जस्ट आफ्टर लिखना है, मतलब सक्सेसर पर है, तो क्या करेंगे 53,423। चेंजेस कहाँ हो रहा है, केवल वन स्पेस पर चेंजेस हो रहे हैं। आप देख रहे हो यहाँ पर 22 है, 2 की जगह 1, ठीक है, यहाँ पर 2 की जगह 3, क्योंकि प्लस 1 हो रहा है, और अकॉर्डिंग टू द प्रेडिसेसर के हम करें तो हम माइनस वन या वी विल एड वन। ठीक है, हम प्रेडिसेसर में माइनस वन, अगर यदि कोई बड़ा नंबर हो जाता है ऑलवेज वी विल चेंज इन ऑन वन प्लेस वैल्यू, हम केवल हमेशा चेंजेस जो करेंगे वो हमेशा वन प्लेस पर करेंगे। एग्जैक्टली है, ठीक है, प्रेडिसेसर मींस बिफोर, सक्सेसर मींस आफ्टर। ठीक है, आप इस तरीके से भी शो कर सकते हैं कि अगर यदि कोई बड़ा नंबर दिया हुआ है तो हम माइनस वन करके भी शो कर सकते हैं, 2 - 1 - 2, 4, 3, 5। ओके, आंसर विल बी कॉट सेम। ओके, नेक्स्ट इसी तरीके से हम आफ्टर में प्लस वन करेंगे। ठीक है, इसमें प्लस वन करेंगे तो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 2 + 1 = 3, 2, 4, 3, 5,
सेम आंसर इफ आंसर शुड नॉट बी चेंज आंसर चेंज नहीं होना चाहिए देखिए क्योंकि माइनस वन कर रहे हैं तभी सेम आंसर आएगा अगर आप करके करोगे तभी सेम ही आंसर आएगा क्लियर नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट कंपेयरिंग नंबर्स ओके कंपेयरिंग नंबर्स What we will do in comparing numbers? Who's known here? Who's telling me? Keep comparing numbers. Compare karna. Comparing means compare karna. Compare karne ke liye hame kya chahiye hote hain? एक से ज्यादा नंबर चाहिए होते हैं हम ग्रेटर देन लेस देन का साइन कैसे लगाते हैं जब हमारे को दो नंबर दिए हुए होते हैं तो हम उन दोनों में क्या करते हैं कंपेयर करते हैं ना कि पीछे जो ग्रेटेस्ट नंबर इन दोनों में से कौन सा बड़ा नंबर है दिस इज अ कंपेयरिंग नंबर ओके हम दो नंबर्स के बीच में जब कंपेयर कराते हैं ठीक है वी विल कंपेयर बाय मोर देन टू नंबर्स इन बिटवीन दैट इज कॉल्ड अ कंपेयरिंग नंबर्स ठीक है हम दो नंबर्स के बीच में जब कंपेयर कराते हैं तो उसी को ही कंपेयरिंग नंबर्स कहते हैं सेकेंड थिंग कि जब कंपेयरिंग नंबर्स हमारे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी यूज में लेते हैं ठीक है तो असेंडिंग ऑर्डर में कि दीज नंबर्स अरेंज इन स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट एंड डिसेंडिंग ऑर्डर दीज नंबर्स अरेंज ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट ठीक है बड़े से असेंडिंग ऑर्डर में हम छोटे से बड़े की तरफ नंबर को अरेंज करते हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर में बड़े से छोटे की तरफ अरेंज करते हैं तो इसमें भी हम क्या यूज में ले रहे हैं कंपेयरिंग नंबर्स यूज में ले रहे हैं ठीक है मोर देन टू नंबर्स वी विल अरेंज इन असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर जब दो या दो से ज्यादा नंबर दिए हुए होते हैं तभी हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स को अरेंज करते हैं इज दैट क्लियर ठीक है अब इसी को ही हम करके देखेंगे जब हमें ग्रेटर देन लेस देन का साइन लगाना होता है तब हम कंपेयर नंबर्स को यूज में लेते हैं 7,49,237 ओके आप इसे देखोगे कि यहाँ पे दो नंबर दिए हैं इन दोनों में से आपको बड़ा नंबर बताना है इसके लिए हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि नंबर कहाँ तक प्लेस वैल्यू तक गए तो 1,100,000 ये नंबर क्लियर कर दिया हमने एंड 1,100,000 एंड देन दिस इज आल्सो लैक प्लेस वैल्यू ये तो 7 लाख ये भी है और 5 लाख का ये भी है अब लैक में दोनों दिए हुए हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर हम विच इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू ठीक है लैक में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है यहाँ 7 दिया हुआ है यहाँ 5 यदि फर्स्ट टाइम में ही फर्स्ट प्लेस वैल्यू में भी यदि हमें बड़ी वैल्यू मिल जाती है तो वी विल नॉट कंपेयर बाय अदर नंबर्स ठीक है इफ यू गॉट द फर्स्ट प्लेस वैल्यू नंबर दैट We will not compare by other number. हम फिर दूसरे नंबर से कंपेयर नहीं करते तो 7 लाख यहाँ दिया हुआ है यहाँ पे लाख में क्या दिया हुआ है 5 इट मींस कौन सा नंबर बड़ा हो गया 7 लाख बड़ा हो गया इट मींस नंबर कौन सा बड़ा है 7,49,237 ठीक है क्योंकि 5 लाख छोटा है यदि यहाँ पे 7 लाख होता तो हम दूसरे नंबर के साथ इसको कंपेयर कर सकते सपोज करिए सेकंड नंबर लिखिए 2,56,945 ओके नेक्स्ट नंबर इज 2,15,545 ओके अब आप देखिए कि यहाँ पर लैक्स प्लेस वैल्यू तक दिया हुआ है
ये भी लिया है 1 stands 100,000 10,000 and this one 1 stands 100,000 10,000 lakh. तो हम ये देखिए दोनों ही तरफ लैक में प्लेस करेंगे, ठीक है? तो इसका मतलब क्या होगा? लैक में क्या कौन सा डिजिट है? 2। और यहाँ पे भी लैक में 2 डिजिट है, तो दोनों में सेम वैल्यू है। मैंने क्या बोला था आपको कि अगर यदि लैक में यदि सेम डिजिट मिल जाती है तब हम दूसरे नंबर से कंपेयर कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे सेम डिजिट आगे मैं आगे तो अब हम कंपेयर किससे कर रहे हैं? 10,000 10,000 में 5 है और यहाँ पर क्या दे रखा है? 10,000 में 1,000 बेस पर बन दे रखा है 10,000, ठीक है? और अगर 1,000 की कंप्लीट की बात करें तो 1,000 फिगर पे 56 है और यहाँ 1,000 फिगर में 15 है। कौन सी प्लेस में नहीं, कौन सी डिजिट बड़ी हो गई? नंबर बड़ा हो गया 2,56,912। तो हम उसी तरीके से इसको कंपेयर करवा रहे हैं, तो लेट इट सी अबाउट एक्सरसाइज 1.2। अब हम एक्सरसाइज 1.2 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 इज write the predecessor and the successor. Write the predecessor and successor of the following of the कैसे करेंगे? फर्स्ट बी 12,570. Now, we will find the predecessor of this number and same method as find the successor. हम इसी तरह से predecessor भी find out करेंगे और हम इसी same number का हमें successor भी find out करेंगे। Predecessor का मतलब होता है before. Before means कि हमें इसमें से पहले 12,570 से पहले का number है। तो पहले का number का मतलब ये होता है कि हाँ अदरवाइज आप इसमें से माइनस 1 करके भी कर सकते हो। प्रेडिसेसर फाइंड आउट करें तो 12,570 माइनस 1, ठीक है? तो ऑलवेज वी विल माइनस ऑन वन अपर ऑन वन प्लेस पे, हमेशा वन प्लेस पे जिससे हम वन माइनस कर पाएंगे। तो जीरो में से वन माइनस नहीं हो सकता, वन बाबा करेंगे यहाँ पे 10 एंड डिवाइड बाय 6, 10 माइनस 1 9 6, ओके? देन 5 2 1, ओके? तो नंबर हमारे पास क्या है? 12,569। आपको केवल वन प्लेस में देखना है, 70 है तो देखिए वन प्लेस में भी चेंजेस होंगे और 10 प्लेस हो जाएंगे। अगर जीरो नहीं हो दिया हुआ है केवल नंबर स्पेस पे चेंज, ये तो क्या हो गया प्रेडिसेसर। अब इसी के अंदर हम क्या करेंगे? सक्सेसर भी लिखेंगे। ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड सेवेंटी, ओके? सो प्लस वन ऑन वन स्पेस पे जीरो प्लस वन वन सेवन फाइव टू वन 12,570। यदि सक्सेसर की बात की जाए तो सक्सेसर इज आफ्टर, तो 70 की बात क्या आता है? 71, तो हमने प्लस वन किया तभी वही आंसर आया 12,570। दैट